सो हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल से HD क्वालिटी में थंबनेल बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, फुल वीडियो में मैंने बताया है कि आपको कैसे HD क्वालिटी में थंबनेल बनाना है, उसके अलावा आपको कैसे HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, HD क्वालिटी में थंबनेल बनाने के बाद जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जो उसके कलर रहते हैं थंबनेल के, वो डल हो जाते हैं। बट फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको फुल स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे आपको मोबाइल से HD क्वालिटी में थंबनेल बनाना है, कैसे उसको 4K या 8K रेजुलेशन में उसको एक्सपोर्ट करना है, प्लस उसके बाद उसको एडिट कैसे करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, थंबनेल बनाने के बाद, एक्सपोर्ट करने के बाद उसमें और एडिटिंग करना पड़ती है, तभी जाके इतने अट्रैक्टिव थंबनेल बनते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे कितने अट्रैक्टिव थंबनेल बने हुए। मैं कैसे बनाता हूँ वो फुल आपको मैं आज राज बताने वाला हूँ कि कैसे मैं थंबनेल बनाता हूँ। और फ्रेंड्स, एक गारंटी के साथ मैं और बात बताता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो फुल देख ली स्टेप बाय स्टेप, तो फ्रेंड्स आप भी HD क्वालिटी में थंबनेल बना सकते हैं, वो भी 2 मिनट में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा कि कैसे आपको HD क्वालिटी में थंबनेल बनाना हो, भले ही आपने आज तक थंबनेल नहीं बनाया हो, बट मैं आपको जो आज सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप HD क्वालिटी में थंबनेल बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से। कुछ नहीं करना है, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा ऑसम होने वाली है। आज हम पिक्सल लैब में थंबनेल बनाएंगे। जी फ्रेंड्स, देख सकते हैं पिक्सल लैब ये एप्लीकेशन है, इसमें हम थंबनेल बनाएंगे। आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना होगा और देन पिक्सल लैब आपको सर्च करना होगा। इसमें कोई भी पेड नहीं रहता है, बिल्कुल फ्री रहता है। आपको सिंपली डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, देन उसके बाद आपको ओपन करना है पिक्सल लैब, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप पिक्सल लैब ओपन करेंगे, आपके मोबाइल में जो भी परमिशन मांगता है उसे आपको परमिशन देना होगी, अलाउ करना होगी। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस रहेगा। आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपको जो इस ऑप्शन पे जाना होगा, ये आप माउस कर्सर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये माउस कर्सर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसको आप देखते रहिएगा बिल्कुल ध्यान से, वीडियो बहुत ज्यादा ऑसम होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एडवांस में बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, नॉर्मल थंबनेल तो कोई बना लेगा, कैनवा से बना सकता है, पिक्सार्ट से बना सकता है, या फ्रेंड्स फोटोशॉप से भी। बट फ्रेंड्स, कुछ जो टेक्स्ट में स्टॉक रहता है, टेक्स्ट में इफेक्ट रहते हैं, उसके अलावा HD क्वालिटी, सब कुछ हम कवर करने वाले। आपको क्या करना है सबसे पहले फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, आपको जो लास्ट वाला ऑप्शन है देख लीजिए, ये जो ऑप्शन है इस पे आपको जाना होगा। उसके बाद ये इमेज साइज लिखा हुआ है, तो आपको इमेज साइज में सबसे पहले कस्टम की जगह आपको यहाँ लिखना होगा YouTube थंबनेल। जी हाँ फ्रेंड, YouTube थंबनेल आपको सिलेक्ट करना होगा, देन आपको यहाँ साइज कुछ भी नहीं करना है, आपको देन ओके करना होगा। देख सकते हैं YouTube थंबनेल क्रिएट हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, YouTube थंबनेल क्रिएट हो गया है। YouTube थंबनेल की जो साइज रहती है वो यहाँ सिलेक्ट हो गई है। अब आपको ये न्यू टेक्स्ट है, इसको तो अभी हटा देते हैं, हम डिलीट कर देते हैं। देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करा, देन ओके करा, तो ये न्यू टेक्स्ट भी डिलीट हो गया। अब आप चाहे तो यहाँ से कलर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से आप सब कर सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे कलर करते हैं फिलहाल, तो कलर आप कैसा भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर कर सकते हैं या नॉर्मल कलर कर सकते हैं। इस टाइप से आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। बट अगर आप कलर करना नहीं चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी इमेज लगे बैकग्राउंड में भी, जैसे कि मेरे कुछ थंबनेलों में लगी हुई है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, जैसे कि मेरा थंबनेल है जिसे मैंने बना रखा, तो बैकग्राउंड में मैंने येलो कलर का टेक्सचर पेपर वाला जो रहता है ओल्ड पेपर वो सिलेक्ट कर रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ सिलेक्ट करने का, तो फ्रेंड्स वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप नॉर्मल बैकग्राउंड चाहते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड वाला फोटो भी सिलेक्ट कर रखा है, देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो थंबनेल मैंने बनाया है इसमें ओनली मैंने ग्रेडियंट यूज करा है। एक देख सकते हैं ये पर्पल कलर का ग्रेडियंट है, एंड देन ये ब्लैक कलर का। और ये कैसे आपको सिलेक्ट करना है तो ये भी मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं जैसे रेड और ब्लैक का कर रखा है, कलर में जाना है, यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल कलर भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। बट अगर ग्रेडियंट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं ग्रेडियंट ये रहा, देन ये रहा। आप चाहे तो कोई सा भी ग्रेडियंट सिलेक्ट कर सकते हैं थंबनेल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए HD क्वालिटी में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस टाइप से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और इसमें कुछ कस्टमाइजेशन प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जैसे कुछ कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये इस टाइप का मैंने कस्टमाइजेशन कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पर्पल इधर आएगा और ब्लैक इधर आएगा, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं ब्लैक कर देता हूँ इसको उस टाइप से। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप कोई सा भी ग्रेडियंट सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं ग्रेडियंट सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर एक इमेज लगाऊंगा बैकग्राउंड में, जिस टाइप से मैंने ये लगा रखी है, देख सकते हैं ये वाला। इस टाइप से हम अट्रैक्टिव थंबनेल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ऑसम होने वाली है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अब वीडियो में बताने जा रहा हूँ, देख सकते हैं आपको ये, देख सकते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पे आपको ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है, देख सकते हैं इसको मैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन बोलूँगा फ्रेंड्स, इसको टेक्स्ट वाले को सेकंड, इन देन ये थर्ड, ये फोर्थ। थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है, देन फ्रेंड्स आपको वो सिलेक्ट करना है आपके गैलरी में से। देख सकते हैं मैंने ये पेपर सिलेक्ट कर लिया है, देन आपको ये राइट का सिंबल दिख रहा है, राइट का निशान, उस पर क्लिक करना है। देख सकते हैं ये मैंने राइट का सिंबल पे क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ से इसको स्ट्रेच करना होगा, देख सकते हैं यहाँ से आपको जूम टाइप का करना होगा, देख लीजिए यहाँ से आप जितना चाहे उतना सिलेक्ट कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं माउस की सहायता से टच करके, देख सकते हैं ये फ्रेंड्स से सिलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ लॉक करना, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो हमारी लेयर आ गई है, देख सकते हैं यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो लेयर आती है, तो फ्रेंड्स इस पर आपको लॉक करना होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने फाइनली लॉक कर दिया है, तो अब ये कहीं भी नहीं जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप थंबनेल क्यों बनाना चाह रहे हैं, किस टॉपिक पर बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट ऐड करना होगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्लस पे क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट ऐड हो गया है। तो फ्रेंड्स हम बता देते हैं कि थंबनेल कैसे बनाए। जी हाँ फ्रेंड्स, थंबनेल कैसे बनाए, तो हम इस पर लिख देते हैं थंबनेल,
ये देख सकते हैं मैंने थंबनेल मैंने लिख दिया है, अब देन आपको ओके करना है। अब आपको देख सकते हैं ये येलो टाइप का जो कलर है बैकग्राउंड, ये भी वाइट है तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब थंबनेल को पहले इसको जूम कर लीजिए इस टाइप से कुछ, यहाँ से हिंच के देख सकते हैं, यहाँ से जूम कर सकते हैं आप। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, देख सकते हैं अगर इस टाइप का आप थंबनेल बनाना चाह रहे हैं ये देख सकते हैं, तो कलर ग्रेडिएंट का आपको ध्यान रखना होगा कि इस पर रेड कलर जमेगा, ब्लैक कलर, ब्लैक पे फिर ग्रीन कलर। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको थंबनेल को रेड कर देते हैं, पर ये हमको टेक्स्ट जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको जूम कर दिया है अभी आपने। अब जूम करने के बाद आपको प्ले फ्रेंड्स इसको सिलेक्ट करना होगा, तो फ्रेंड्स जहाँ पर भी आप सेट करना चाहते हैं वहाँ सेट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ सेट कर दिया, अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ये देख लीजिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ लॉक कर दिया, ये देख लीजिए फ्रेंड्स मैंने लॉक कर दिया। अब आपको क्या करना होगा इसकी साइज, तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है टेक्स्ट वाला उस पर क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पर इसकी जो फॉन्ट साइज है वो चेंज करना होगी, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना होगी। यहाँ पर आपको जो फॉन्ट है, मैं कोई एक्स्ट्रा फॉन्ट यूज़ नहीं करता हूँ, बट अगर आप एक्स्ट्रा फॉन्ट चाहते हैं जैसे कि इस टाइप से, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और फ्रेंड्स एक और बात, इसमें जो भी कंटेंट यूज़ होगा जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये जो बिग अपडेट के पीछे जो ब्लैक कलर का जो इस टाइप का टेक्सचर है वो भी मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद ये तीन जो टेक्सचर आते हैं लाइनिंग टाइप के देख सकते हैं ये वाले, ये भी मैं आपको बता दूंगा। सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेबसाइट की, वहाँ से आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही ऑसम होने वाला है। तो हमने लिखा है, अब हम इसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर लेते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स सेमी बोल्ड नहीं, हमको एक्स्ट्रा बोल्ड चाहिए। ये देख लीजिए फ्रेंड्स इस टाइप से हम एक्स्ट्रा बोल्ड कर लेते हैं, देन ओके कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अब हमको थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो गया है, तो इसको अनलॉक करो पहले, तो फिर उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा वापस सेट करना होगा। ये देख सकते हैं थंबनेल हो गया। अब फ्रेंड्स इसका कलर करते हैं, तो कलर करने के लिए क्या करना है, वापस से इसी पे क्लिक करना है जहाँ पर आप करना चाहते हैं, जहाँ पर जो भी टेक्स्ट को कलर करना चाह रहे हैं उस पर वापस से क्लिक करना है, तो इस टाइप का बॉक्स आ जाता है। उसके बाद आपको ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन पे जाके कलर का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करना है। देन आप चाहे तो कोई सा भी कलर कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स हम रेड कलर करेंगे क्योंकि इस पर रेड कलर देख सकते हैं इस टाइप से कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, देख सकते हैं रेड कलर कर दिया। अब फ्रेंड्स रेड कलर करने के बाद भी थोड़ा सा कलर में जो उसका क्वालिटी वो इनहेंस नहीं हुई है, तो फ्रेंड्स आपको स्ट्रोक लगाना होगा। देख सकते हैं स्ट्रोक में जाना है आपको, देख सकते हैं इस पर क्लिक करना जरूरी है जो भी टेक्स्ट पे करना चाह रहे हैं। देन नीचे आना है, ये देख सकते हैं स्ट्रोक, स्ट्रोक पे आपको अनेबल करना है। अब स्ट्रोक कितना साइज रखना चाहते हैं देख सकते हैं, ये स्ट्रोक का कलर कौन सा करना चाह रहे हैं, रेड, रेड तो ऐसे ही रेड पर अच्छा नहीं लगेगा, ब्लैक, ब्लू, कोई सा भी, बट इस पर रेड के साथ आपको फ्रेंड्स ब्लैक जमता है, देख सकते हैं ब्लैक कर दिया। साइज़ क्या रखना है, ज़्यादा साइज़ भी मत रखिए आप इसको, ओनली 4 या 5 रखिए, तो मैं 4 साइज़ रख लेता हूँ। देन आपको ये राइट क्लिक है उस पर क्लिक करना है, तो मैंने अनेबल कर दिया। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, बिफोर और आफ्टर में देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब फ्रेंड्स आपको इसमें स्ट्रोक के साथ और भी 2-3 ऑप्शन है वो लगाना रहते हैं, देख सकते हैं शेडो भी लगा सकते हैं चाहे तो आप, देख सकते हैं शेडो पे क्लिक करा, देख सकते हैं शेडो की ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, शेडो में ब्लू करना है, ब्लैक करना है, बट फ्रेंड्स इसमें मैं ब्लैक ही सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ब्लैक रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब रहता है, और थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दूंगा। देख सकते हैं ये स्टेप से आपको 55 या 50 रखना है, और चाहे तो आउटर ग्लो अनेबल कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स ये आउटर ग्लो अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो मैं तो नहीं रखता हूँ। बस सिंपली आपको राइट पे क्लिक करना है, सेटिंग ऐसी रखना है। आप देख सकते हैं आप इनर शेडो भी लगा सकते हैं इस टाइप से, इनर शेडो से भी काफ़ी ज़्यादा HD दिखता है, तो मैं इनर शेडो लगा देता हूँ और 3 पे रहने देता हूँ। और इनर शेडो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, बट इनर शेडो का कलर भी हम ब्लैक ही करेंगे, ये देख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे एम्बॉस कर सकते हैं ताकि 3D इफेक्ट आ जाए, ये देख सकते हैं इससे 3D इफेक्ट आ जाता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस टाइप से। देन आपको राइट क्लिक करना है, तो एम्बॉस भी कर दिया है। अब चाहे तो 3D टेक्स्ट भी कर सकते हैं इस टाइप से, बट फ्रेंड्स 3D टेक्स्ट इतना अच्छा नहीं लगता है नॉर्मल थंबनेल पे, तो आपको तो सिर्फ स्ट्रोक करना है और शेडो चाहो तो कर सकते हो। फ्रेंड्स स्ट्रोक करना तो इम्पोर्टेंट है सही, और शेडो भी करना इम्पोर्टेंट है, बट इनर शेडो और इम्बोस चाहे तो आप कर सकते हैं, बट मैंने देख सकते हैं फ्रेंड्स अब कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अब सेकंड हम देख सकते हैं इस टाइप से हमें ये टेक्चर चाहिए, तो टेक्चर के लिए सिंपली क्या करना है आपको, वॉलपेपर पे क्लिक करना है, देख सकते हैं आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना है आपको, कहीं भी क्लिक कर दीजिए जहाँ भी फ्री स्पेस है, क्लिक कर दिया। देन आपको फ्रेंड्स देन आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद वापस से इंपोर्ट पे, इंपोर्ट ऐसे ही करना है आपको, इंपोर्ट क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इंपोर्ट के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है इसमें। और फ्रेंड्स देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको जो भी सिलेक्ट करना हो कर सकते हैं, मैं फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ ये रेड कलर का, बट इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्रॉप कर लेते हैं इस टाइप से कुछ, यहाँ से क्लिक करके क्रॉप करना है, ये देख सकते हैं, एंड देन राइट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारा थंबनेल आ गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड इरेज करना है जो वाइट दिख रहा है, तो सिंपली इस पर क्लिक रहने देना है, नॉर्मली इस पर क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपको थर्ड वाले ऑप्शन में ही इरेज कलर लिखा हुआ है, देख सकते हैं इस पर इरेज कलर पर क्लिक करके इसको अनेबल करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी क्लैरिटी से ये इरेज हो गया है। देन आपको राइट पे क्लिक करना है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है क्योंकि ये भी रेड है, नीचे भी रेड अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस पर क्या करना है, इस पर वापस से क्लिक करना है, ये देख सकते हैं इस लेयर पर। देन आपको कलर पर जाना है, ये देख सकते हैं कलर पर गए, अनेबल करा,
कौन सा कलर करना चाह रहे हैं, ब्लू, ब्लैक, जो सा भी कलर करना चाह रहे हैं आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला थंबनेल देख सकते हैं, ब्लैक कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो ब्लैक कर लिया। अब इस पर राइट पे क्लिक करना है और आप इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगाने के लिए आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, इस टाइप से देख सकते हैं जैसे कि हमारा ये थंबनेल था तो हम इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। और फ्रेंड्स इसे क्रॉप भी कर सकते हैं आप चाहे तो थोड़ा सा मैं इसे क्रॉप कर लेता हूं क्योंकि मुझे लास्ट की जो लाइनिंग है वो अच्छी नहीं लग रही है। तो वापस से क्लिक करके क्रॉप पे जाते हैं, देन थोड़ा सा इसको आपको ऐसा कर लेते हैं, ये देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये क्रॉप हो गया। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं थंबनेल की कुछ अब थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो इस टाइप से इस पर सिलेक्ट कर लिया है, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स अब ये हो गया सिलेक्ट। अब आपको इसको वापस से लॉक लगाना होगा, तो लेयर के जो ऑप्शन दिख रहा है ऊपर उस पर क्लिक करना है, देन आपको इसको भी लॉक करना होगा, थंबनेल को भी लॉक कर लेते हैं हम, सेट हो गया हमारा। एंड देन इसको भी लॉक कर लेते हैं लेयर को ताकि ये हिले नहीं कहीं भी। अब वापस से हमें टेक्स्ट ऐड करना होगा कि थंबनेल, अब हमने लगा दिया थंबनेल, अब कैसे बनाए लिखना जरूरी है कि थंबनेल कैसे बनाए। तो प्लस पे क्लिक करते हैं वापस से, देन टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इस पे वापस से हम दोबारा क्लिक करेंगे फ्रेंड देख सकते हैं। और कीबोर्ड से आप चाहे तो हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं मैं कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लेता हूं हिंदी टाइपिंग, ये देख लीजिए ये मैंने हिंदी टाइपिंग सिलेक्ट कर लिया है। कैसे बनाए ये देख सकते हैं, कैसे लिखा गया बनाए ये देख सकते हैं फ्रेंड, कैसे बनाए थंबनेल कैसे बनाए तो ये लिखा गया। अब हम इसे जूम करते हैं थोड़ा सा, देख सकते हैं इस टाइप से जूम कर लेते हैं, ये देख लीजिए। अब फ्रेंड्स अब ये कैसे बनाए को हमको थोड़ा बड़ा दिखाना है, तो हमको ये लेयर को भी हमको जूम करना होगा, जो हमारी जो लेयर जी ब्लैक वाली इसको भी जूम करना होगा ताकि थोड़ी सी अच्छी दिखे। तो हम इसे और बड़ी करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, ये देख सकते हैं। चाहे तो आप इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं इस टाइप से, तो मैंने इसे बड़ा कर दिया। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हम थोड़ा टेक्स्ट को छोटा कर देते हैं कैसे बनाए को, एंड देन यहाँ देख सकते हैं। अब हमें टेक्स्ट का कलर थोड़ा अलग करना है, जहाँ फ्रेंड्स ब्लैक पे येलो कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो वापस से टेक्स्ट पे क्लिक करना है, देख सकते हैं इस पे टेक्स्ट पे क्लिक करा, देन सेकंड वाले ऑप्शन पे गए टेक्स्ट वाले पे, देन कलर्स जाते हैं कलर के ऑप्शन पे गए, देन ब्लू ब्लू कलर चाहे रेड कलर चाहे जो भी कलर, बट इसमें येलो अच्छा लगता है तो येलो सेलेक्ट कर लिया। अब फ्रेंड्स आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है, ये फॉन्ट नॉर्मल फॉन्ट लग रहा है, थोड़ा अट्रैक्टिव फॉन्ट बनाना है, तो फिर फॉन्ट पे क्लिक करा, देख सकते हैं कैसे करना है। वापस से टेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन फॉन्ट पे क्लिक करना है, देख सकते हैं फॉन्ट पे क्लिक करा, उसके बाद आपको यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अट्रैक्टिव, तो थोड़ी सी आप इसे बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ये वाली ये देख सकते हैं इस टाइप से बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये बाय डिफॉल्ट है, ये कोई अलग से फॉन्ट नहीं है, ये एक पिक्सल लैब में इंस्टॉल रहती है। तो देख सकते हैं इस टाइप से, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अट्रैक्टिव लग रही है फॉन्ट, इस टाइप से आप इसे थोड़ा सा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इस टाइप से, देख सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ ये देख लीजिए, और इसको सेंटर में कर दीजिए। तो थंबनेल कैसे बनाए अब देख लीजिए फ्रेंड्स कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, बट अभी भी हमारा काम बाकी है। अभी क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो कैसे बनाए इसमें भी हम थोड़ा सा स्ट्रोक और ये सब ऐड करते हैं। तो वापस से हमने इस पर क्लिक करा, देन हम स्ट्रोक पर जाते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स स्ट्रोक पर गए, अनेबल करा। अब हम कौन सा कलर करेंगे स्ट्रोक, तो उस पर वाइट कलर थोड़ा सा जमेगा। जी हाँ फ्रेंड्स वाइट कलर एक बार करके देख लेते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड वाइट कलर थोड़ा सा जम रहा है, तो वाइट कलर का ज़्यादा नहीं करना है अपने को, ओनली दो कर देते हैं, दो पे सिलेक्ट कर दीजिए स्ट्रोक विड, और देख सकते हैं फ्रेंड्स अब इसका फाइनल रिजल्ट देख लीजिए। अब थोड़ा सा हम इसमें एम्बोस और इस टाइप से जो रहता है इफेक्ट्स वो भी कर देते हैं। तो वापस से शेडो पे क्लिक करा, शेडो देख लेते हैं एक बार कैसी जमती है, बट फ्रेंड्स शेडो तो इस पर नहीं जमेगी इस टाइप से, देख सकते हैं शेडो में इतना कुछ इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है बैक में, तो शेडो नहीं लगाना है अपने को। ओनली शेडो चाहे तो आप ब्लैक भी लगा सकते हैं, बट ब्लैक के ऊपर ब्लैक शेडो कुछ इस टाइप से लगेगी, देख सकते हैं ये देख लीजिए। तो ब्लैक शेडो लगा दीजिए, ओपेसिटी आप 100 कर दीजिए, तो उससे थोड़ा ओवर के टेस्ट आ जाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने शेडो ब्लैक लगा दिए। उसके अलावा अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आपको क्या करना है, इनर शेडो पे क्लिक करना है, देन अनेबल करना है। तो इनर शेडो पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इफेक्ट आ जाएगा, बट फ्रेंड्स इनर शेडो अच्छी नहीं लग रही तो इसको रहने देते हैं, हम कैंसिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इम्बोज भी कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स सबसे बेस्ट है स्ट्रोक लगाइए, और 3D टेक्स्ट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो 3D टेक्स्ट कैसा लगता है? और फ्रेंड्स ये सब ऐसा नहीं कि मेरे थंबनेल पर अच्छा लग रहा तो आपके थंबनेल पर भी सूट करेगा, आप करके देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट दिखते जाएंगे। ऐसा एकदम हर कोई नहीं सीख पाता, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे थंबनेल बनाते जाएंगे, आपकी क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी, इनहेंसमेंट होती जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हो गया थंबनेल कैसे बना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको आपका फोटो भी लगा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर, उसके अलावा आप यहाँ पर यूट्यूब का, जैसे यूट्यूब थंबनेल कैसे बना है तो यूट्यूब का आपको लोगो लगाना होगा। यहाँ फ्रेंड्स मैं वापस क्या करता हूँ, थर्ड वाले ऑप्शन पर जाता हूँ, देन इंपोर्ट पर क्लिक करता हूँ। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं यूट्यूब का लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं, और वापस से आपको राइट क्लिक करना है, देख सकते हैं राइट क्लिक पे कर दिया, अभी यूट्यूब का लोगो आ गया, बट अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी क्लैरिटी कितनी अच्छी होने वाली है। आपको इसको जूम करना है आपको ऑटोमेटिकली, देख सकते हैं आप चाहे तो इस टाइप से यहाँ से क्लिक करके रोटेट भी कर सकते हैं, तो रोटेट में भी काफ़ी अच्छा लगता है, देख सकते हैं इस टाइप से, बट इस टाइप से मुझे थोड़ा सा ही अच्छा लगता है। तो ये यहाँ से पकड़ के आप कर सकते हैं रोटेट, बट अगर आप चाहें यहाँ से नहीं करना आपको
तो आपको क्या करना है, थंबनेल इस पर क्लिक करना है यूट्यूब के आइकॉन पे, देन आपको टेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पर से थर्ड वाले ऑप्शन पे जाना है फ्रेंड, देख सकते हैं आपको, उसके बाद नीचे आना है, इस टाइप से नीचे आइए, एंड रोटेट से भी कर सकते हैं कि रोटेट कितना करना है ये देख सकते हैं, इस टाइप से भी रोटेट कर सकते हैं ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मुझे थोड़ा इस टाइप का ही अच्छा लग रहा है, बस सिंपली सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करना है, थोड़ा सा बढ़ाइए, देख लीजिए आप फ्रेंड्स, देख सकते हैं थोड़ा सा इसका कलर डल लग रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है वापस से, देन आपको इसका क्वालिटी इनहेंस करना है, तो आपको इस यूट्यूब पे आइकॉन पे वापस से क्लिक करना है, उसके बाद आपको देख सकते हैं ये कलर फिल्टर्स, इस पर क्लिक करना होगा, देन आपको यहाँ पर सेचुरेशन जो रहता है उसको बढ़ाना होगा, देख सकते हैं कितना मस्त अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके अलावा ब्राइटनेस चाहे तो बढ़ा सकते हैं, बट ब्राइटनेस नहीं बढ़ाना हमको, ब्राइटनेस तो सही है, और कॉन्ट्रेस्ट भी बढ़ा सकते हैं इस टाइप से, सेचुरेशन थोड़ा आपको अच्छा करना है, और ये मैं आपका आइकॉन जो PNG ये भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इस टाइप से सेटिंग कर लीजिएगा। तो राइट क्लिक करना है, देख सकते हैं ये सेटिंग कर ली मैंने, 31 सेचुरेशन कर दिया है, ब्राइटनेस रहने दीजिए 0 पे रहने दीजिए, एंड कॉन्ट्रेस्ट 86 कर दिया है, देख सकते हैं इसको राइट पे क्लिक करना है। अब इसको अट्रैक्टिव और HD में करना है ताकि ये और अच्छा लगे, तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसमें भी स्ट्रोक ऐड करना होगा, तो फ्रेंड्स वापस से इस पर क्लिक करना है, देख सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, देख सकते हैं नीचे स्ट्रोक दिख जाएगा, स्ट्रोक पे क्लिक करना है, अनेबल करना है, स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप कोई सा भी कलर लगा सकते हैं, बट इस पर ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगेगा, देख सकते हैं मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स ब्लैक कलर, अब इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 2, जी हाँ फ्रेंड ब्लैक कलर को 2 पे कर देते हैं, देख सकते हैं कितना अलग हटके लग रहा है। वापस इस पर क्लिक करते हैं, अब हम स्ट्रोक के साथ साथ और इसमें एम्बोज और ये इफेक्ट भी लगाते हैं, शेडो लगाते हैं, शेडो पे क्लिक करा, ये देख सकते हैं शेडो का कलर चाहे तो ब्लैक ये देख सकते हैं, ताकि और अट्रैक्टिव लगे, 3D टाइप में लगे, तो देख सकते हैं मैंने इस पर सिलेक्ट कर लिया है, ये कर लिया, अब राइट पर क्लिक कर देता हूँ, और इनर शेडो देख लेते हैं कि इनर शेडो कैसे लग रही है, बट इनर शेडो तो काफ़ी अच्छी नहीं लग रही है, देख सकते हैं इसे आप क्लिक कर करके देखते जाइए कि कैसा अच्छा लगता है, तो इनर शेडो देख सकते हैं इस टाइप से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स मैं इसको 10 पे सिलेक्ट कर देता हूँ, देख सकते हैं, एंड देन अनेबल। अब आप इसको 3D लुक भी देना चाहते हैं तो आपको वापस से इस पर क्लिक करना है, देन आपको नीचे आना है, देख सकते हैं नीचे आना है, एंड देन इम्बोज दे सकते हैं, तो इम्बोज पे करेंगे तो इस टाइप से लुक आ जाएगा, बट इम्बोज से कलर थोड़ा डल हो रहा है तो इसलिए इम्बोज नहीं करेंगे हम। फ्रेंड्स देख सकते हैं फाइनली हमारा कितना बेस्ट हो गया है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फाइनली कितना अट्रैक्टिव लग रहा है जो यूट्यूब का आइकॉन है और थंबनेल है, बट फ्रेंड्स थंबनेल का मुझे थोड़ा कलर डल लग रहा है, देख सकते हैं, तो हम वापस से इसको लेयर पे जाके इसको देख सकते हैं, हम इसे लॉक जो लगाया था वो हटा देते हैं, इससे आप यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से लॉक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आप इसे मतलब इधर उधर भी नहीं कर सकते, इसलिए लॉक हटा दिया हमने, पहले इस पर क्लिक करेंगे, एंड देन हम थोड़ा इसका जो इम्बोस लगाया था हमने थंबनेल पे जो लिखा हुआ है वो हटाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लग रहा है इससे, तो इम्बोस देख सकते हैं इम्बोस पे जाते हैं हम, ये देख लीजिए, और इसे बंद कर देते हैं, अब देखते हैं कितना अच्छा लगता है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अब अच्छा लग रहा है, तो फ्रेंड्स ये हो गया, इम्बोस भी लगा दिया, इम्बोस हटा दिया इस पर से, तो देख सकते हैं अब उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना फोटो एड करना है इस साइड पर, देख सकते हैं इस टाइप से जैसे कि मैंने एड करा था ये, तो आपको क्या करना होगा, वापस से थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, देन इंपोर्ट पे, और फ्रेंड्स कभी भी कुछ भी इंपोर्ट करना हो तो किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, ना आपको थंबनेल पे क्लिक करना है, ना इस पर क्लिक करना है, ना इस पर करना है, आपको जो खाली स्पेस है उस पर क्लिक कीजिए, जी हाँ फ्रेंड्स, तभी आप ये ऑप्शन आता नहीं, तो देख लीजिए इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, ये देख लीजिए ये ऑप्शन नहीं आते ज़्यादातर, तो आपको खाली स्पेस पर क्लिक करना है, देन इंपोर्ट पर क्लिक करना है वापस से, और आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं क्रॉप करता हूँ, ये देख सकते हैं मैंने ये आपको इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये बैकग्राउंड बिल्कुल मतलब बैकग्राउंड रिमूव करके, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स इसका फेस इस साइड है, तो इसका फेस चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा, देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन पर, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये इस साइड आ गया है, तो ये इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस टाइप से, और देन राइट पर क्लिक करते हैं, तो फ्रेंड्स फाइनली ये आ गया है। अब हम इसे जूम भी कर सकते हैं, ये हमारा जो फोटो आपका फोटो भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं इस टाइप से, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, देख लीजिए ये देख लीजिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, ये देख लीजिए फ्रेंड्स इस पर हमने कर दिया है सिलेक्ट। अब इसमें भी हमें कुछ एडिटिंग करना होगी, जी हाँ फ्रेंड्स इसमें भी एडिटिंग करना होगी, तो उसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं यूट्यूब को। अब इसमें क्या थोड़ा इसमें भी स्ट्रोक लगाना होगा, तो वापस फोटो पे क्लिक करा, देन हम जाते हैं, और फोटो की आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं इससे, कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रेस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जी हाँ फ्रेंड कलर कॉन्ट्रेस्ट सभी एडजस्ट कर सकते हैं आप, देख सकते हैं सेचुरेशन भी। तो फ्रेंड्स अभी हम इसके थोड़ा सा 10 पे कर देते हैं, ये देख लीजिए इस टाइप से आप ये 10 11 12 जो भी करना है कर लीजिए, तो 10 पे सिलेक्ट कर लिया हमने सेचुरेशन, कॉन्ट्रेस्ट बढ़ाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो कॉन्ट्रेस्ट हम 5 पे कर देते हैं, जी हाँ फ्रेंड 5 पे कॉन्ट्रेस्ट कर दिया। अब राइट पे क्लिक करना है, अब देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हो गया। अब इसमें स्ट्रोक एड करना है, तो फोटो पे आप इससे क्लिक करा, देन स्ट्रोक पे गए और अनेबल करा। फ्रेंड्स इस पे वाइट कलर का स्ट्रोक अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसे ब्लैक कलर का स्ट्रोक लगाते हैं, देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है, ये देख लीजिए। तो हम इसे सेज साइज सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ये देख सकते हैं 2 पे सिलेक्ट कर लिया है, 2 पे भी नहीं 1 पे सिलेक्ट करते हैं, तो ये हो गया। अब हमें इसमें थोड़ा सा एक बार ट्रिक
एक बार ट्राई करके देखते हैं शेडो कैसी लग रही है। तो शेडो भी बहुत ही ऑसम लग रही है, इससे 3D लुक आ रहा है। शेडो की साइज ब्लर रेडियंस 10 ही रहने दीजिए और कलर आप ब्लैक ही करिए, देख लीजिए ज़्यादा कोई अच्छे नहीं लग रहे, ब्लैक ही बहुत ऑसम लगता है, ये देख लीजिए। बस इसमें और कुछ नहीं करना है, अब इसको लॉक करना है ताकि हिले नहीं, क्योंकि हमारी ये भी देखो लॉक नहीं हुई है, तो इसको भी लॉक करना है एंड थंबनेल को भी लॉक करना है और ये इन सबको लॉक करना होगा ताकि ये प्रॉब्लम ना आए आपको। तो हम सभी को लॉक कर लेते हैं, ये देख लीजिए लॉक, ये लॉक करा, इस पर भी लॉक कर दिया, इस पर भी, ये सभी लॉक हो गए। अब हम किसी को भी हाथ लगाएंगे, देख सकते हैं कुछ ही पे भी, तो कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया लॉक, अब हमको क्या करना है, थंबनेल कैसे बनाए, ये तो हो गया है, और हमें और कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो वापस से टेक्स्ट पे गए, ये देख लीजिए टेक्स्ट पे क्लिक करा मोबाइल से, अब मोबाइल से भी लिखना है तो हिंदी में वापस से हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड लगा सकते हैं आप चाहे तो, देख सकते हैं लिख सकते हैं मोबाइल से सिलेक्ट कर लिया, मोबाइल से लिख दिया हमने। देन आपको इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ानी होगी इस टाइप से, देख सकते हैं फ्रेंड्स इस टाइप से इसकी साइज़ भी बढ़ा दीजिए, जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं। और थंबनेल आपको किस टाइप से बनाना है देख सकते हैं इस टाइप से, तो मोबाइल से लिख दिया। अब उसका कलर आपको पहले तो उसकी टेक्स्ट साइज कलर से ही करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट पे आप इसकी क्लिक करना है, दूसरे नंबर के ऑप्शन पे आना है, देन कलर पे जाना होगा। कलर पे जाने के बाद आप इसका ब्लू कलर कर लेते हैं, देख सकते हैं ब्लू कलर कर दिया। अब फ्रेंड्स आपको इसका जो मोबाइल से बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, आपको क्या करना है इसका फ़ोन पे क्लिक करना है। तो वापस से मोबाइल से पे क्लिक करा टेक्स्ट पे, देन सेकंड वाले पे ही रहेंगे, ये भी फ़ोन पे जाएंगे, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये देख लीजिए ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, देन ये भी अच्छा लग रहा है, तो ओके कर देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स फाइनली ये अच्छा लग रहा है इस टाइप से, ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है इस टाइप से, थोड़ा सा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ये देख लीजिए थंबनेल कैसे बनाए मोबाइल से, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक भी ऐड करना है, तो सिंपली क्या करना है, सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन स्ट्रोक पे जाना है और अनेबल करना है। अब स्ट्रोक कौन सा करना है इस पे, ब्लू के साथ आई थिंक सब करके देख लीजिए, येलो कैसा लगता है, रेड कैसा लगता है, बट फ्रेंड्स ब्लैक ही जमेगा इसके साथ भी, क्योंकि अपना जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा लाइट है, तो ब्लैक कलर इस पे ज़्यादा उठेगा। तो देख सकते हैं चार सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पर चार पे सेलेक्ट कर लिया, ये देख लीजिए। अब राइट पे क्लिक करना है, देन आपको इनर शेडो भी ऑन करना होगी, इसमें करना चाहे तो कर सकते हैं और इसकी रेडिएशन बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग करके देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इस पे तो मैं भी 3 ही रहने देता हूँ एंड राइट कर देता हूँ। और फ्रेंड्स इसमें आपको शेडो भी क्लिक करना होगा, शेडो पे देख सकते हैं शेडो पे ओपेसिटी कम कर दीजिए इस टाइप से, कलर ब्लैक ही सिलेक्ट है, आप चाहे तो दूसरा कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स ब्लैक कलर ही बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये हो गया, थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देते हैं, ये हो गया है एंड राइट, देख सकते हैं फ्रेंड्स फाइनली कैसा लग रहा है, थंबनेल कैसे बनाए मोबाइल से, कितना HD क्वालिटी में लग रहा है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आप चाहे तो यहाँ पर टेक्स्ट और भी बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि जो कैसे बनाए हैं उसको भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं फ्रेंड्स सिर्फ 2 मिनट में, बट फ्रेंड्स उसके लिए आपको यहाँ पर एक, अब फ्रेंड्स हम एक और चीज़ इंपोर्ट करते हैं ताकि हमारा ये जो थंबनेल है थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम शेप्स में जाते हैं, शेप में हम यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं इस टाइप से, एंड देन हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हम इसको फुल साइज़ कर लेते हैं और इसका कलर करते हैं फ्रेंड्स ब्लैक, इसका ब्लैक कलर करेंगे, देख लीजिए इस टाइप से। और अभी हमारे फ़ोटो के ऊपर आ रहा है ये, देख लीजिए फ़ोटो के ऊपर आ रहा है, तो फ़ोटो को हम ऊपर करना है तो क्या करना होगा, सिंपली पहले तो उसे राइट करके हम सेलेक्ट कर लिया, अब वापस से लेयर पे जाएंगे, देख सकते हैं इस ऑप्शन पे फ़ोटो को इसके ऊपर कर देते हैं इस टाइप से, बस ये हो गया, अब फ़ोटो नीचे हो गया। अब आपको क्या लिखना है यहाँ सिर्फ 2 मिनट में, ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है कि थंबनेल कैसे बनाए। हाँ बात अलग है कि 2 मिनट में हर किसी से नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिसको आएगा जो प्रैक्टिस करेगा उसी से बन पाएगा, बट फ्रेंड्स कोई बात नहीं आप बना लेंगे 2 मिनट में, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने लिख दिया सिर्फ 2 मिनट में। अब आपको क्या करना है, ओके करना है, देन आपको इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा इसे बड़ा करना है इस टाइप से, देख लीजिए थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा थंबनेल जो लिखा है हम थोड़ा सा इन सब के अनलॉक कर देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन करना है, कुछ चेंजेस करना है अब थोड़ा सा, ताकि हमारा जो थंबनेल ऐसा नहीं लगे कि कुछ ज़्यादा ही हमने लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, सबको अनलॉक करेंगे, थंबनेल को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, देख सकते हैं क्योंकि जगह हमारे पास बहुत सारी बची हुई है, क्यों वेस्ट जान देते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम ऊपर करेंगे, कैसे बनाए को हम यहाँ लिखेंगे, हो गया। अब देन मोबाइल को हम यहाँ कर देंगे मोबाइल से, अब थोड़ा सा हम इस पट्टी को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो सिर्फ 2 मिनट है वो थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, ये देख लीजिए फ्रेंड्स ये सिर्फ 2 मिनट को हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, ये इस टाइप से आप इंक्रीज कर सकते हैं, ये देख लीजिए सिर्फ 2 मिनट में, अब देख लीजिए फ्रेंड्स कितना अट्रैक्टिव। बट अब फ्रेंड्स अभी भी बाकी है क्या कि सिर्फ 2 मिनट अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और उसका कलर भी। तो क्या करना है, सिंपली फ़ॉन्ट में जाएंगे, माय फ़ॉन्ट्स कोई सी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये डार्क वाली हुई, ये इस टाइप की हुई, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ,
अब सिर्फ 2 मिनट को थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि फॉन्ट बोल्ड हो गई हमारी, ये हो गया। अब देन हम इस पर कलर फ्रेंड्स अट्रैक्टिव नहीं लिख रहा, जैसे कि हमारा ये कलर था कितना अट्रैक्टिव लगता था, ये देखिए ब्लैक पे ग्रीन, तो हम ग्रीन कलर करेंगे। अब क्या करना है, इस पर क्लिक करा, कलर पे गए, देन ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे हम अच्छा वाला, प्लस पे जाएंगे, देन हम ग्रीन कलर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये देख लीजिए इस टाइप से आप कलर भी बना सकते हैं, ये यहाँ से ओके कर देंगे, ये देख लीजिए फ्रेंड्स फाइनली कितना ऑसम लग रहा है। थंबनेल कैसे बनाए मोबाइल से सिर्फ 2 मिनट में, देख सकते हैं फ्रेंड्स यूट्यूब का लोगो भी लग गया, तो ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाए मोबाइल से सिर्फ 2 मिनट में, या ऐसा लिख सकते हैं आप मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाए सिर्फ 2 मिनट में। बट फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट जो रहता है हमारा थंबनेल पे कीवर्ड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर डिपेंड करता है। बट फ्रेंड्स हो गया है, आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, सभी को लॉक कर दीजिए फ्रेंड्स और इसको सेव कर दीजिए। ये देख सकते हैं सभी को लॉक कर दिया मैंने, सभी लेयर को लॉक कर दीजिए, सभी लेयर को लॉक कर दिया है। इसमें आपको स्ट्रोक वगैरह चाहे तो आप लगा सकते हैं ग्रीन वाले में भी, बट फ्रेंड्स इसमें तो ब्लैक के ऊपर ग्रीन कलर ही इतना अच्छा लग रहा है कि स्ट्रोक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सभी विजिबल है फ्रेंड्स, देख सकते हैं थंबनेल कैसे बनाया मोबाइल से सिर्फ 2 मिनट में, ये बन गया है आपके सामने लाइव बताया बनाया मैंने। कोई भी मतलब आपको क्या करना है, सब कुछ आप बना सकते हैं, आपको सिर्फ 2-3 चीज़ की रिक्वायरमेंट है। यूट्यूब का लोगो मैं आपको दे दूंगा, बैकग्राउंड जो है पेपर वाला वो मैं दे दूंगा, आप ये जो इमोजी देख रहे हैं इस बंदे की उसका फोटो भी मैं आपको दे दूंगा, वो ये डिज़ाइन देख रहे हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल ड्राइव की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली फ्रेंड्स हमारा थंबनेल बिल्कुल रेडी हो गया है, आप चाहें तो इसमें और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स मुझे तो बहुत बेस्ट लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है उसके लिए कमेंट भी कीजिएगा। बट फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, देन इसकी क्वालिटी कैसे इनहेंस करना है, क्योंकि अभी हम इसे 4K में सेलेक्ट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स ये टेक्निक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, बट मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। तो आपको क्या करना है, ये जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है प्लस के पास में, देख सकते हैं ये माउस का कर्सर है, उस पर क्लिक करना है, इसको प्रोजेक्ट को आप सेव कर लीजिए क्योंकि इतनी बड़ी इतनी मेहनत करी आपने बनाने में। तो ये फ्रेंड्स आपको सबसे पहले इसे सेव करना है, तो फ्रेंड्स हम इस पर लिख देते हैं नाम यूट्यूब थंबनेल, देख लीजिए यूट्यूब थंबनेल लिख दिया, ओके कर देते हैं। और फ्रेंड्स अब हमें इसे इंपोर्ट करना है, तो आप इसे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब सेव अस इमेज ये देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे, देन आपको क्या करना है, यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको कि JPG जो लिखा है नो ट्रांसपेरेंसी, इसको आपको PNG सेलेक्ट करना है, एंड देन कस्टम में कुछ भी नहीं करना है। कस्टम में अगर आप अल्ट्रा करेंगे तो आपकी क्वालिटी 2K रेजोल्यूशन रहती है, जी हाँ फ्रेंड 2K रेजोल्यूशन रहती है, बट हम इसे 4K में करेंगे ताकि हमारा थंबनेल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो आपको लिखना होगा फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं 4096-2160, देख सकते हैं ये साइज आपको लिखनी होगी, देख सकते हैं आपको PNG सेलेक्ट करना है, यहाँ कस्टम सेलेक्ट करना है, यहाँ 4096-2160, ये 4K रेजोल्यूशन साइज रहती है। जी हाँ फ्रेंड्स हम चाहे तो इसे 8K भी रेजोल्यूशन में सेट कर सकते हैं, मतलब इसे सेव कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स 4K में करने से अच्छा रहेगा, पिक्सल नहीं फटेंगे। तो सेव टू गैलरी में क्लिक करा, ये देख सकते हैं रेंडरिंग इमेज हो रही है, हमारा फोटो फाइनली सेव हो रहा है जो हमने थंबनेल बनाया, तो देख सकते हैं इमेज सेव्ड ये लिखा गया, अब हमारा थंबनेल सेव हो गया। बट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट एक और बताता हूँ, थंबनेल सेव तो हो गया बट उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डल हो गई है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारा थंबनेल है कुछ इस टाइप से, तो देख सकते हैं थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि कलर थोड़ा सा डल हो गया है, देख सकते हैं। अब इसका कलर हमें इन्हेंसमेंट करना होगा, कलर थोड़ा इसकी कलर की जो कॉन्ट्रेस्ट है वो हमें इंक्रीज करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, पिक्सआर्ट जो एप्लीकेशन रहता है उसको भी आपको डाउनलोड करना होगा, तो हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, देख सकते हैं पिक्सआर्ट हमने ओपन कर लिया है। फ्रेंड्स बहुत से ने आपको बताया होगा कि आपको लाइट रूम से भी कर सकते हैं, जी हाँ फ्रेंड लाइट रूम से भी आप कर सकते हैं, बट पिक्सआर्ट में बहुत आसान रहेगा कि आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ये देख लीजिए, फिर एडिट या फोटो पे क्लिक करना है, देन आपने जो फोटो अभी बनाया है जो थंबनेल बनाया है उस पर सिलेक्ट करना है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या करना है, आपको उसमें कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो आपको टूल्स पे देख सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन टूल्स पे क्लिक करना है, देन आपको एडजस्ट पे क्लिक करना है, एडजस्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट क्लैरिटी सब सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा के देखते हैं क्या लगता है, थोड़ी सी हम ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, देख लीजिए 3 पे ब्राइटनेस कर दिया, कॉन्ट्रास्ट हम बढ़ाते हैं, ये देख लीजिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं कितना अच्छा लगता है, ये देख लीजिए, तो थोड़ा सा हम इसे 30 कर देते हैं, 32 कर दिया, क्लैरिटी को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं हम, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ऑसम लग रहा है फ्रेंड्स। और अभी फ्रेंड्स एक और चीज़ में बता दूँ, थोड़ी सी जो गैपिंग लग रही है वो भी आप यहाँ चाहे तो कुछ भी इमोजी भी लगा सकते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस टाइप से आप कर सकते हैं, ये हो गया है। क्लैरिटी हम 10 कर देते हैं, देन आपको सेचुरेशन में क्या करना है एक बार करके देखिए, जैसा नहीं जो नॉर्मल सेटिंग बता रहा हूँ मैं, जैसा बता रहा हूँ वैसे कर करके देखिएगा, और अगर हो सका आप जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ वो भी करेंगे तो हो सकता है उससे भी बेस्ट आपको रिजल्ट मिले। तो मैं देख सकते हैं इसे 10 रहने देता हूँ, एंड इसको भी हम हाईलाइट्स को करेंगे, अब इसको रहने देते हैं ये वाले ऑप्शन को HUE का हु को, एंड हाईलाइट्स तो हाईलाइट्स में देख सकते हैं करेंगे तो ये वाइट दिख जाएगा, बैकग्राउंड हमारा जो इतना मस्त टेक्स्चर है बैकग्राउंड में वो नहीं दिखेगा, तो हाईलाइट्स हम इसे 0 रहने देंगे।
सिंपली हो गया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक बात और इंपॉर्टेंट, जो 4K में हमने थंबनेल सेव करा है उसकी साइज़ कम से कम नहीं करके 6 MB या 7 MB की है। बट फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, YouTube पे थंबनेल अपलोड करने की साइज़ ओनली 2 MB है, 2 MB से ज़्यादा फोटो अपलोड नहीं कर सकते, थंबनेल नहीं लगा सकते। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस पर राइट पे क्लिक करना होगा और PicsArt से हम क्वालिटी भी इनहेंस कर सकते हैं, उसके अलावा इसकी साइज़ भी हम सिलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं क्वालिटी हो गई है, अब हम इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं डाउनलोड पे क्लिक करा, देन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेवस JPG सेवस PNG, तो हम सेवस PNG पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स 4.8 MB हो रहा है। तो PNG पे साइज़ ज़्यादा हो रही है तो हम एक बार JPG पे सिलेक्ट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं JPG पे सिलेक्ट कर देंगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ से क्वालिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस टाइप से, ये देख लीजिए, ये 100% क्वालिटी में भी सेव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हर कोई नहीं बताता। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये देख सकते हैं 3 MB दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा बट ये देख सकते हैं 3 MB है। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको 99% कर देता हूँ क्वालिटी को। देख सकते हैं ये 1.5 MB हो गया दिख रहा है आपको, देन आपको क्या करना है, ये 99 कर दिया है, ये देख लीजिए, तो ये 1.9 MB का हो गया, 99% कर दिया है। अब आपको सेव पे क्लिक करना है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स फाइनली सेव कर दिया है। तो फ्रेंड्स हमारा थंबनेल सेव हो गया है और इसका मैं आपको एग्जैक्ट लुक बता देता हूँ कि बिफोर और आफ्टर दिखा देता हूँ आपको कैसा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स बिफोर ऐसा था, पहले कैसा था ऐसा, अब देखिए आपको डिफरेंस खुद दिख रहा होगा कि थंबनेल क्लैरिटी HD क्वालिटी कैसा होता है, ये हर कोई नहीं बताता, मैंने आपको बताया है। देख सकते हैं ये ऐसा डल थंबनेल था पहले अपना हमारा, ये देखिए हमने उसको कितना इन्हेंस कर दिया। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड पहले वाला थंबनेल हमारा ऐसा था जो बहुत काफ़ी डल था, और हमारा जो HD थंबनेल है वो देख सकते हैं ये वाला है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।